आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जनपद में चल रही वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक ऐसे वाहन को पकड़ा जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब लदी हुई थी। शराब की खेप मध्य प्रदेश से सोनभद्र पहुंचाई जा रही थी। बीजपुर पुलिस ने महुअरिया तिराहे पर चेकिंग के दौरान छत्तीसगढ़ के नंबर की पिकअप गाड़ी पर 72 पेटी अवैध शराब लदी हुई पाया। पूछताछ के दौरान एक शराब तस्कर फरार हो गया। पुलिस ने दो लोगों को 72 पेटी शराब व एक पिकअप सहित गिरफ्तार कर लिया। बीजपुर थाना पुलिस के कब्जे में खड़ी पिकअप वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ी गई है। इस पिकअप में पुलिस को चेकिंग के दौरान 72 पेटियों में बंद 3600 शीशी शराब की बोतल मिली। इसके अलावा पुलिस ने दो शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। एक तस्कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर जांच करने के बाद मुकदमा दर्ज कर दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि ये माल बिना किसी कागजात के ले जाया जा रहा था और चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। पिकअप पर लदी 72 पेटियों में बंद 3600 शीशी शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पीएलएल न्यूज के लिए सोनभद्र से नीरज सिंह की रिपोर्ट। माल पुलिस अधीक्षक महोदय सोनभद्र के आदेशानुसार आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए अवैध शराब और शस्त्र के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन महोदय के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी पिपरी और क्षेत्राधिकारी दुद्धी के कुशल पर्यवेक्षण में इंस्पेक्टर बीजपुर द्वारा कल दिनांक 20/2/19 को 3:30 बजे के आसपास एक पिकअप से लगभग 72 पेटी अवैध शराब जो एमपी की प्रोडक्ट है पकड़ी गई है। दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। कितने की कुल शराब है? शराब की कीमत 3,24,000 है। टोटल 3600 पौआ। तो क्या ये कार्रवाई अभी आगे भी जारी रहेगी? हाँ, ये कार्रवाई आगे पूरी बना के भी जारी रहेगी।